हेलो किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के नेक्स्ट श्लोक का मीनिंग हिंदी में, जो कि सेवेंथ क्लास की बुक से है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है विद्यायाः महत्वम और बुक है सुप्रभातम, संस्कृत पाठमाला। सो लेट्स वी स्टार्ट। ये लास्ट श्लोक है, इससे पहले वाले श्लोक ये सब हैं जिनके मीनिंग मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोज में बता चुकी हूँ। अगर आपको इन श्लोक्स के मीनिंग भी समझने हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस पर विजिट करें। सो आइए सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं श्लोक को। ना चोर हार्यम ना च राज हार्यम ना भ्रातृ भाज्यम ना च भारकारी व्यय कृते वृद्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। आइए इसका मीनिंग समझते हैं वर्ड टू वर्ड। ना चोर हार्यम, ना चोरों द्वारा चुराया जा सकता है। न च, च मीन्स ओर। ना च राज हार्यम, ना ही राजा द्वारा छीना जा सकता है। ना भ्रातृ भाज्यम, ना ही भाइयों में विभाजित किया जाता है। ना च भारकारी, ना ही उसकी रखरखाव में कोई बोझ है। वे कृते वर्धते, अगर हम उसको बांटेंगे तो वो और बढ़ेगा और नित्य बढ़ेगा। विद्याधनम, वो कौन सा धन है? विद्या का धन है। सर्वधन प्रधानम, सारे धनों में से सबसे उच्च स्थान पर। अर्थात विद्याधन ऐसा धन है जो ना ही चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, ना ही राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना ही उसे भाइयों में विभाजित करने की जरूरत है, ना ही वो हमारे ऊपर कोई बोझ है। उसे हम जितना खर्च करेंगे, यानी कि हम जितना बांटेंगे उतना वो बढ़ेगा। तो इसीलिए विद्या धन को सबसे प्रधान धन कहा गया है, यानी कि सर्वोच्च धन कहा गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू लाइक जस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव थम्स अप। बाय बाय।